और अब हमारे दर्शकों यानी आपकी ताकत की बात, क्योंकि आपने दस्तक दी जब हमने ये दिखाया कि राजस्थान के बाड़मेर में किस तरीके से फसल बर्बाद होने पर बीमा कंपनियों ने मुआवजे के नाम पर मजाक किया है किसानों के साथ, किसी को 1 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 200 रुपए ऐसे ऐसे मुआवजा मिल रहा था। लेकिन दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई, 48 घंटे में ही बड़ी कार्रवाई हो गई। दस जनवरी को आपने किसानों से फसल बीमा कंपनी के मजाक के खिलाफ एक बड़ी दस्तक दी थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे राजस्थान के इन किसानों को एक अच्छी योजना में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से चला गया। दस्तक की इस रिपोर्ट में हमने बाड़मेर के किसान गंगाराम और खुमाराम का दर्द दिखाया था। किसान गंगाराम ने अपनी 65 बीघा जमीन का 4,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, जबकि साल 2021 में फसलें सूखने पर उन्हें फसल बीमा के नाम पर चवन्नी भी नहीं दी गई। आया मैं 4,000 आया है मेरे घने घना आया है 4,000 रुपया प्रीमियम के तो कटे तो प्रीमियम कटियो 4,000 को काट लियो जग दिन बोए आई साल काटे कितना भी कटा था 4,000 आया 4,000 आया। इसी तरह का मजाक खुमाराम के साथ किया गया, जिन्होंने 35,000 रुपए तो उस फसल की बुआई में लगा दी जिसकी बर्बादी के बाद फसल बीमा के नाम पर 10 रुपए भी नहीं मिले। कंपनी से कितनी उम्मीद थी आपको फसल बीमा की? 80,000 रुपया आने वाले थे। हाँ। और आए कितने? आया 9 रुपया 32 पैसा। अच्छा, तो अभी आप खाते में गए फिर से कोई पैसा वैसा आया कुछ चेक करवाया तो? हम चेक करे कुछ नहीं आया, खाली 32 रुपया नहीं आया भाई, 9 रुपया 32 पैसे आया। दावा है कि बाड़मेर में पीएम फसल योजना के नाम पर 1 रुपए से 20 रुपए का क्लेम दिया गया, जबकि 2021 में पूरे बाड़मेर जिले में सरकार ने भीषण अकाल घोषित किया था। किसानों की समस्या के खिलाफ जब आज तक ने दस्तक दी तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के अधिकारियों और जिलों के अधिकारियों के साथ दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जहां संबंधित बीमा कंपनियों को बीमा क्लेम के 229 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी करने के निर्देश दिए गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब बाड़मेर जिले के किसानों को 311 करोड़ के स्थान पर अब 540 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि 229 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो हमेशा किसानों के साथ रही है और अपनी जिम्मेवारियों से हम कभी नहीं भागे। तो दस्तक में जब आज तक ने रिपोर्ट दिखाई तब फसल बीमा कंपनी ने 311 करोड़ रुपए क्लेम राशि जारी की थी, जिसके बाद कृषि मंत्रालय ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई और बीमा कंपनी ने 229 करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्लेम राशि जारी करने का ऐलान किया। इस तरह आपकी दस्तक ने राजस्थान के किसानों के सम्मान के खिलाफ हो रहे इस काम को न सिर्फ रोका बल्कि केंद्र सरकार तक अन्नदाता की बात पहुंचाई, और ऐसा पहली बार हुआ कि किसानों के फसल बीमा क्लेम को लेकर दिल्ली के कृषि मंत्रालय भवन में केंद्र, राज्य और बीमा कंपनियों के बीच बैठक हुई। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, आज तक।